तो दोस्तों हम बात करेंगे GIPCL के स्टॉक के बारे में। GIPCL के स्टॉक में नया ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो देखेंगे जो स्टॉक के पीछे लंबे समय से यहाँ पर लगातार एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। हमारे स्टॉक में लगातार हायर हायर प्रोसेस में देखने को मिल रहा है। आज हम यहाँ पर स्टॉक में 4.42% की यहाँ पर एक बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से स्टॉक की बात करें, यहाँ से अब स्टॉक हमारे पास 115.90 का जो लेवल है, यहाँ से स्टॉक में नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस काम करेगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक में 120, इसके बाद हम यहाँ पर स्टॉक में 125, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक में 130-135 तक के लेवल्स जो यहाँ पर देखने में मिल जाएंगे ऐसा नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्टेंस। भाई यहाँ से अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 108 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने में मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पर स्टॉक में 101, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा तो इसके बाद हमको स्टॉक 93 तक के लेवल स्टॉक यहाँ पर देखने मिल जाएंगे ऐसे नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।